फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। आज मैं इसमें शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूँ फेसबुक के बारे में, एक जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि काफ़ी लोग के आप यहाँ पे बायो पे देखते होंगे, जब एडिट बायो, जब आप काफ़ी किसी का प्रोफाइल चेक करते हैं उस टाइम आप देखते होंगे कि काफ़ी लोग के मतलब बायो में काफ़ी स्टाइलिश तरह से लिखा होता है, या किसी के व्हाट्सअप में देखेंगे या किसी के इंस्टाग्राम में, कि काफ़ी स्टाइलिश टाइप का करेक्टर उन लोग यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको जो लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के नीचे, उसमें क्लिक करना है और वहाँ पर आपको अपने वर्ड्स को लिखना है, वहाँ से आपको वो चीज़ को देखनी है। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। फॉर द एग्जाम्पल, मैं अपना बायो अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैंने एडिट बायो में गया और मैंने इस चीज़ को मैं स्टाइलिश फॉर्म में चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल एक्स दबाया और उसके बाद मैं यहाँ पे गया किस पे, फॉन्ट जनरेटर एंड फॉन्ट चेंजर, कूल फॉन्ट्स फॉर इंस्टाग्राम आईजी फॉन्ट्स। सो यहाँ पे देखिए, ये मैं इसका इस मतलब पेज का मैं आपको लिंक दूंगा जहाँ से आप जाकर इसको भी आप ही ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कंट्रोल प्लस वी, हमने जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये देखिए। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे स्टाइलिश फॉन्ट नीचे आ गए, ये देखिए। आप इसको क्या करना है, आपको सिंपल सा कॉपी करना है। देखिए आपको काफ़ी सारी चीज़ दिख रही है आपको नीचे, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अट्रैक्टिव लुक यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे कि आप कई लोग के स्टेटमेंट में देखेंगे तो इसी तरह का आपको शो होता है वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसको इसी को कॉपी किया, कॉपी मैंने यहाँ पे किया, कॉपी की आपको बटन यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे आपको सिंपल सा कॉपी करना है, उसके बाद क्लोज करना है, अगेन अपने आपको बायो में जाना है और उसके बाद कंट्रोल प्लस वी पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे आपको क्लियरली शो हो रहा है, यहाँ पे मैंने उसी फॉर्म में एज इट इज़ लिख दिया। अब उसके जैसे कि आप इसको मैंने लिख दिया, अब चाहे तो आप इसको यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस सेव कर सकते हैं। बट अभी ये सेव का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इसका जो स्ट्रेंथ है ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है, तो इस स्ट्रेंथ को हम यहाँ को छोटा करना है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ को छोटा करता हूँ, तो ये देखिए अब सेव का ऑप्शन आ गया, क्योंकि उसमें से क्या था, उस वक्त एक्चुअली इसकी लिमिट बढ़ चुकी थी, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे करना है। अगर आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को। सेकंड चीज़, मैं इस जो इस पेज का जो आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल कर दिया हूँ, वहाँ से आप क्लिक कीजिए, आप भी अपना टेक्स्ट लिखिए, आप भी इसी तरह के फॉर्मेट्स को चूज़ कीजिए और आप भी अपने इंस्टाग्राम फेसबुक में आप भी इसी तरह से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, छोटा सा ट्रिक आपको पसंद आया होगा, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दीजिए लाइक। बाय बाय, टेक केयर।